Students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 2, Bartanon ke Bacche. Page number 11. Seth ko kis cheez ka shauk tha? Jo Seth tha, usko kis cheez ka shauk tha? Bartan banane ka, naye naye kapde pehenne ka, ya naye naye bartan ikatthe karne ka? Kis cheez ka shauk tha Seth ko? Naye naye bartan ikatthe karne ka. Theek hai? Next. बूढ़े किसान का नाम क्या था? जो बूढ़ा किसान था उसका नाम क्या था जिससे जो सेठ था उसने दुगने बर्तन वसूले थे? क्या नाम था उसका? बंशी. बूढ़े किसान का नाम था बंशी. सेठ को देखते ही किसने मुंह लटका लिया? सेठ को देख के किसने मुंह लटकाया था? सोमो ने लटकाया था, क्योंकि वो रोने लग गया था ना कि मेरे तो जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे मर गए. तो इसलिए वो सेठ को देखते ही उसने मुंह लटका लिया और रोना शुरू कर दिया. पेज नंबर 12. शहीद शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. सेठ को नए नए डैश इकट्ठे करने का शौक था. सेठ को किस चीज़ का शौक था? नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक था, है ना? तभी तो वो लोगों से दुगने बर्तन वसूलता था. अपनी चालाकी पर सेठ खुश हुआ. सेठ अपनी चालाकी पर खुश हुआ था ना. बंशी ने अपने घर पर एक डैश का आयोजन किया. बंशी ने अपने घर पर किसका आयोजन किया था? उत्सव का आयोजन किया था, यानी कि एक पार्टी रखी थी जिसके लिए वो सेठ से बर्तन उधार मांगने गया था. मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब उनके पेट में डैश थे. सेठ ने क्या बोला था बंशी को कि मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तो उनके पेट में तो बच्चे थे, अब लाओ इनके बच्चे भी दो. उसने क्या किया था? अपनी चालाकी दिखाई थी. सेठ को डैश होने लगी. सेठ को क्या होने लगी थी? चिंता होने लगी थी कि मतलब इतने दिन हो गए हैं, सोनू बर्तन ले गया है, अभी तक देकर नहीं गया. तो सेठ को चिंता होने लगी. सोमू ने सेठ से उसके सारे बर्तन डैश मांगे. सोमू ने सेठ से उसके सारे बर्तन क्या मांगे थे? उधार मांगे थे, है ना? तो तभी तो सेठ को चिंता हुई थी कि इतने दिन हो गए ले गए हुए और अभी तक वो वापस देकर भी नहीं गया. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ. फर्स्ट, सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर गांव वालों से दुगने बर्तन वसूलता था. जो सेठ था वो कोई ना कोई बहाना बनाकर गांव वालों से दुगने बर्तन वसूलता था. यस, बिल्कुल राइट है. वो कोई ऐसी ट्रिक करता था कि जिसके कारण गांव वालों को उसे डबल बर्तन देने ही पड़ते थे. जैसे उसने बंशी को बोला कि मेरे बर्तनों के बच्चे कहाँ हैं, मुझे ला के दो वरना मैं तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लूँगा. तो उस बेचारे बंशी को ला कर देने पड़े. तो वो अपनी चालाकी से लोगों से दुगने बर्तन वसूल करता था. बंशी एक बूढ़ा किसान था. यस, बिल्कुल राइट है. बंशी एक बूढ़ा किसान था. सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ. जो सेठ था वो और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर खुश हुआ था. यस, वो सोच रहा था कि देखो मैं कितना चालाक हूँ, मैंने अपनी चालाकी दिखाई और दुगने बर्तन वसूल लिए. सोमू को रोता देख गोविंद घबरा गया. क्या सोमू को रोता देख गोविंद घबरा गया था? नहीं, सोमू को रोता देख तो सेठ घबरा गया था कि भाई ये रोने क्यों लग गया, मैंने तो इसको बर्तन उधार दिए थे और मैं इससे बर्तन मांग रहा हूँ तो ये रोने लग गया है. तो उसको देख के वो घबरा गए थे. नेक्स्ट देखिए, अब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं बेटा, ये इनकरेक्ट हैं, आपको इनको क्या करना है? करेक्ट करके लिखना है. फर्स्ट है ब्याह. ब्याह कुछ नहीं होता, क्या होता है? ब्याह. ब आधा आता है, ब्याह. नेक्स्ट है बर्तन. बर्तन कुछ होता है? नहीं होता. क्या होता है? बर्तन होता है. तो त के ऊपर क्या आएगी? र की मात्रा. क्या हो जाएगा वो? बर्तन. दुगने. दुगने दुगने क्या होता है? कुछ भी नहीं. क्या होता है? दुगने. द पे छोटे उ की मात्रा आएगी, दुगने. गिनती. गिनती कुछ भी नहीं होता. क्या होता है? गिनती. जब आप बोलोगे ना, जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे इन वर्ड्स का, आपको खुद मिस्टेक पता चल जाएगी. गिनती. गी छोटे की मात्रा आ रही है ना, गिनती. चलाक. चलाक कुछ नहीं होता. क्या होता है? चालाक. चा आ च के पीछे भी आ की मात्रा आएगी, क्या हो जाएगा हमारा? चालाक. जन्म. जन्म कुछ नहीं होता, जन्म होता है. जो हमारा न होता है ना वो आधा आता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जन्म. ज आधा न म जन्म. तो ये आपका बेटा सेकंड चैप्टर की रिवीजन हो गई है. अब आपका होमवर्क क्या है, आप इसको घर से अच्छे से रिवाइज करेंगे क्योंकि कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट है, ओके? और जिन बच्चों ने अपना काम नहीं किया हुआ है वो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में. और कल जब आपका टेस्ट होगा तो मैं आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट भेजूंगी, आप उसी पे टिक वगैरह लगा के उसको सबमिट कर देना, जिससे आपकी यूटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके?